हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपके लिए हेल्थ, मिस्टीरियस स्टोरीज और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बातें लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है? आपने राष्ट्रीय फूल के बारे में सुना होगा, आपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में सुना होगा, आपने राष्ट्रीय पशु के बारे में भी सुना होगा, लेकिन राष्ट्र में पहली बार राष्ट्रीय औषधि यानी दवा के रूप में हिलय को प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के आयु विभाग ने यह तय किया है कि गिलोय के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इसे राष्ट्रीय औषधि के रूप में संसार भर पहचान मिले। आप में से बहुत लोगों ने गिलोय का नाम सुना होगा। गिलोय मुख्य रूप से एक वनस्पति है, जिससे आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का उपचार किया जाता है। अपने खास गुणों की वजह से गिलोय को आयुर्वेद में गुनुची और अमृता भी बोला जाता है। होम्योपैथी में भी गिलोय को खास दवाएं तैयार किया जाती है, जिससे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, एलर्जी व अस्थमा का उपचार किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी गिलोय का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि लंका में ईश्वर राम और रावण के युद्ध के दौरान ईश्वर राम की सेना के कई वानर मारे गए थे, जिन्हें दोबारा जीवित करने के लिए श्री राम ने अमृत वर्षा का आह्वान किया। इसके बाद आकाश से अमृत वर्षा हुई, जिससे वानर जीवित हो गए। प्रतीकात्मक कथाओं में भी यह बोला गया है कि अमृत वर्षा के जो बूंदी जमीन पर गिरी, वहां गिलोय के पौधे उगाए। यानी अगर इस कथा में चमत्कारों की एक तरफ रख दिया जाए, तो भाव यह है कि गिलोय के गुण अमृत के समान है। यहाँ आपको भी जानना चाहिए कि गिलोय के गुणों का भंडार क्यों बोला जाता है और इससे किस तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है। गिलोय के मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट व एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव बॉडी को हर अंग के लिए गिलोय एक फायदेमंद औषधि है। गुजरात के एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में लाइफ स्पैन यानी जिंदगी चक्र को बढ़ाने की विधियों के एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में कुछ मक्खियों पर 30 दिन तक गिलोय पाउडर प्रयोग किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मक्खियों का जीवन काल 85 डेज का हो गया। आमतौर पर मक्खियों का जीवन काल 25 से 30 दिन तक का होता है। बाद में इस रिसर्च को नीदरलैंड के एक हेल्थ केयर जर्नल ने प्रकाशित किया। डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार को अच्छा करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट गिलोय लेने की सलाह देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के पीड़ित रोगियों का शुगर लेवल अच्छा करने के लिए गिलोय का प्रयोग की सलाह दी जाती है। इसमें बॉडी में इम्यून हार्मोन्स बनने में मदद मिलती है, जिससे शुगर लेवल अच्छा रहता है। अच्छी बात यह है कि गिलोय को दैनिक जिंदगी में भी तय मात्रा में लिया जा सकता है। आयुर्वेद के कुछ आचार्य इसे सुपर फूड यानी ताकतवर खाद्य मानते हैं। वैसे इस लिस्ट में आंवला, हल्दी, एलोवेरा, सूखी अदरक को भी रखा गया है। ये सारी चीजें मानव बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करती है, लेकिन इसमें गिलोय का जगह सबसे ऊपर है। आज हमने गिलोय की शक्ति पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखने से आपको पूरे परिवार को फायदा होगा। हम आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि गिलोय का पौधा लगाना बहुत सरल है। यह किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है और इसे विशेष देखभाल की जरूरत नहीं होती। पान के पत्ते जैसा दिखने वाला यह पौधा एक बेल के रूप में किसी भी पेड़ की अपने स्थान बना लेता है, यानी ये बहुत सरलता से उपलब्ध है। भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसे गुण हैं जिसके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। प्रचार व प्रसार की कमी की यह वजह से इनके फायदे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विकसित देश हमारे राष्ट्र की जड़ी बूटियों को पेटेंट करवाकर उसका फायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है अपनी विरासत को संभालना होगा व उसे उचित सम्मान देना होगा, तभी हिंदुस्तान सही मायने में विश्व का गुरु बन पाएगा।